बता दें आपकी वसादत से लोगों को ये इस्तदा करना चाहता हूँ, जो ताजर बरादरी है उनको भी मैं कहना चाहूंगा, प्लास्टिक हैज बीन बैन ऑल ओवर इंडिया सिंस फ्रॉम जुलाई 2022। पहले ये कश्मीर में भी चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता इस पर SRO 2 आ गए, मैंने आपको बताया SRO 182 एंड SRO 126। बाद में स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन इसकी 22 जुलाई 2022 है। अब जो दुकानदार ताजर बरादरी में इसका इस्तेमाल करता है उसको कभी भी छापा पड़ सकता है, वो उसके पास कोई हथियार नहीं है, वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम अवेयरनेस हमने की, हमने ताजर बरादरी को ऑन बोर्ड लिया, हमने आईमा साहब को ऑन बोर्ड लिया, हमने मीडिया थ्रू उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के जरिए हमने को वजाहतन बताया जो ये पॉलिथीन है इसको खत्म करना है, एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक जो है इसका भी खात्मा होना है, इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, अगर हम करेंगे वो हमारी बदकिस्मती है, मैंने अभी भी बताया कि इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, वो चीजें हमें इस्तेमाल करनी है जिनकी कानून हमें इजाजत देती है, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जिस चीजों की इस्तेमाल हमें जिनकी जिनको बैन लगी है उन चीजों का इस्तेमाल हमें रोकना चाहिए, ये एक ही डायरेक्शन है, सबको जानी चाहिए कि वो आइंदा इसका इस्तेमाल ना करे। आज का प्रोग्राम जो है दिस वाज अवेयरनेस प्रोग्राम, हमने लोगों को बताया, बच्चे जो है द बेस्ट मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन, ये घर जाके तकरीबन अपने पेरेंट्स को कन्वे करेंगे, और अगर यहाँ 100 बच्चे हैं एक फैमिली में तकरीबन 10 लोग होते हैं, मल्टीप्लाई बिटवीन 10,000 घरों तक ये पैगाम पहुंच गया कि पॉलिथीन का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। कुपवारा के लोगों के लिए यही बेहतरीन चीज है, कुपवारा जन्नत का एक नजारा है, इस जन्नत को हमें बचाना है, इसको महफूज रखना है, यहाँ के प्लांटेशन यहाँ के प्लांट बहुत खूबसूरत है, यहाँ की नजारे बहुत खूबसूरत है, इन नजारों को हमें महफूज रखने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ मैंने बोला पॉलिथीन यहाँ डायरेक्टली एज पॉलिथीन नहीं आता है, ये बहुत सूरतों में आता है, इनडायरेक्टली आता है, लेकिन ताजर बरादरी से हम यही इस्तेदा करेंगे कि इसको जब लोग शराब पीते हैं, शराब तो उधर ये पता है ये मना है ये नहीं पीना चाहिए, लेकिन लोग तब भी पीते हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना, इसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो हम अपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे, अपने सेहत को बर्बाद करेंगे, अगर हमें अपने सेहत को बचाना है, अपने एनवायरमेंट को बचाना है, अपने आसपास के माहौल को बचाना है, तब इन चीजों का से हमें परहेज करना चाहिए। सर ये तो चलता है पिछले जब से मैं आया, मेरी अभी 2-3 महीने की यहाँ पोस्टिंग है, मैंने अवेयरनेस भी किया, मैंने कैंप भी लगाया, मैं सब स्कूलों के पास जाता हूँ और आगे भी जाता, इलेक्शन का थोड़ा सा यहाँ पर बीच में बैरियर आ गया, इलेक्शन खत्म हो गए, बच्चे भी एग्जाम्स में थे, इनके एग्जाम्स भी खत्म हो गए, ये कंटिन्यू रहेगा, हमारी ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहेगी, हम लोगों तक पहुंचा देंगे ये मसला कि इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसको अच्छा इम्पैक्ट है आज ट्रेड बहुत बहुत से वाबस्ता लोग जी जी। वो भी आपके साथ इस चीज में समर्थन दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ट्रेड बरादरी भी आहिस्ता आहिस्ता कोऑपरेट कर रही है, उनको भी पता चल रहा है कि ये चीज जो है ये गलत है, उन्होंने भी हमें ताउन दिया है, तो इनसे भी हम इस तरह करते हैं कि प्रेसिडेंट साहब हमारे सामने मौजूद है, ये अपने नीचे जो इसके सब स्टाफ है या बाकी मेंबर्स हैं उन तक पैगाम पहुंचा दे कि इस चीज को रोकना होगा। अच्छा सवाल किया आपने, ये स्नैच नहीं करते हैं, ये उसके साथ फाइन भी करते हैं जो कि लाजमी है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, मैं खुल के आपको कहूंगा कि पहले पॉलीथीन जैसे हमारे मीर साहब ने कहा पतले वाला आता था उस पर बैन था, लेकिन कोर्ट भी मजबूर हो गई, खाली पॉलीथीन पे ही बैन नहीं होना चाहिए, तमाम प्लास्टिक पे बैन होना चाहिए। अब ये बोतल है ये भी तो बैन में आती है, बन तो आता है, हम लोग अपने घरों को शीट लगाते हैं व्हाइट शीट, ये भी तो बैन होनी चाहिए, और आप आकर के देखो कि पहला मतलब मेरा ये तो कहूंगा हमारी खुशनीति है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा एक हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट है कि जहां कोई ऐसी फैक्ट्री है नहीं, और आपको मैं ये भी बता दूं कि मीर साहब को ज्यादा पता होगा यहां से कि जो पॉलीथीन है ये रिसाइकल होता है इसका बनता क्या है, जब ये बनता कहाँ है, ये भी हमारे जम्मू में ही बनता है, वहां फैक्ट्रियां लगी हैं, उनको परमिशन किसने दी, ये पॉलीथीन बनाते हैं इन फैक्ट्रियों, क्या आपने कभी मीडिया जॉब में कभी आपने ये सुना कि कोई फैक्ट्री सीज की हो, मुझे नहीं लगता, मैंने कभी नहीं देखा अपने जम्मू में कि किसी फैक्ट्री को सीज किया हो, क्योंकि वो हाई लेवल के लोगों की होती है, और उसको देखते हुए बाद में गवर्नमेंट ने एक और SRO निकाला जो कि मीर साहब ने भी आपको कहा है कि हर पॉलीथीन पे लिखा होता है यूजेबल, जो कि शायद मुझे लगता है 1-2 साल में मिट्टी में खत्म हो जाता है, उसको निकाला, इसका मतलब गवर्नमेंट मजबूर हो गई उसको निकालने के लिए। वो एक अंदर क्वेश्चन आ जाता है ना, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ ना आए, हमारी पहली अभी देखिए अभी आपको मीर साहब ने दिखाया कि पॉली बैग देखिए कितना चेंज आया है इस 5 साल में, पहले शादी में जाते थे तो लिफाफा मिलता था, अभी कैरी बैग मिल रहा है, कली वाला अंदर कागज वाले में आ रहा है, अभी चेंज, अभी हम फ्रिज की बात की मीर साहब ने, तो फ्रिज में हम जो सामान रखते हैं
उसको भी हमें ढक के रखना है, खुले में रख देते हैं। अभी जो फ्रूट हम खा रहे हैं वो भी तो एक किस्म का वो जहर ही बना हुआ है ना, उसको धो के खाना है, हम कभी धोते नहीं, उठाया खा लिया, उस पर तो केमिकल लगा होता है, केमिकल से तैयार की। आज कौन सी चीज़ है जो केमिकल के बिना आ रही है?